नाम राजेश कुमार शर्मा है, 852 फेज 10 का रहने वाला हूँ और पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में मैं यहाँ कमेटी में हूँ। यह तो श्री दुर्गा मंदिर सभा फेज 10 मोहाली है। हाँ जी, मीटिंग तो सबसे पहले ये था जी, प्रधान साहब जो भी कर रहे हैं अपने आप ही जो करते हैं, अकेले ही करते हैं, ना किसी को बताते हैं ना पूछते हैं। वन मैन शो था और जो पैसा आता था वो भी नहीं बताते, जो खर्च करते वो भी नहीं बताते और अपने आप जो दिल करता वो करते थे। हमने रोका, 2 साल से रोक रहे हैं, नहीं रुक रहे, तो हमने मीटिंग कमेटी रख ली और पिछले महीने इनके ऊपर 10 तारीख को सिविल को अपने क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट आ गई, मंदिर के अगेंस्ट इनके ऊपर मतलब इनको सजा हो गई है। 1000 रुपये फाइन किया कोर्ट ने और 1 साल के लिए इनको बाउंड किया, 50,000 रुपये के बाउंड पे एक साल के लिए इनको बाउंड किया है अभी, ताकि मंदिर में आपने कोई हरकत नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो ये फिर भी उसके अलावा उसके बाद भी जो ना आके सभी को हमको धमका रहे हैं, कभी ग्रुपिज्म में सारी टीम को बांट रहे थे, तो उसके लिए हमने मीटिंग रखी। जो कहते हैं हर बार इनका यही काम है, अभी जब मीटिंग बुलाते हैं ये कहते हैं जी आज नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम होगी, दिन में होगी, फिर मैं शाम को बिजी होता हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा भी हम तो शाम के सारे वर्किंग आदमी हैं, आप ही हो एक दो आदमी जो है तो पार्ट टाइम, हम तो सारे वर्किंग, हम तो सुबह जाएंगे काम पे। 11 मेंबरी कमेटी है जी। हाँ जी, हम 6 आदमियों ने रात अपना पास किया है भी इसके अगेंस्ट, इसको बाहर निकाल दिया गया है, क्रिमिनल होने के कारण इसके हमने बाहर निकाल दिया। उसकी इन्होंने पार्ट टाइम मुझे इन्होंने प्रेसिडेंट की कहा भी आप उस टाइम ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट आप रहोगे उतने जितने, और ये नवंबर दिसंबर में हमारा द्वारा इलेक्शन हो जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट। हाँ जी, हाँ जी, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट मुझे इन्होंने जो ड्यूटी दी है मैं उसको जैसे भी होगा 2 महीने के लिए जैसे भी निभाऊंगा, जैसे पहले निभाता हूँ वैसे मैं आप भी नीट एंड क्लीन तरीके से काम करूँगा, इनको साथ लेके चलूँगा, जैसे पहले चलता था वैसे ही आप इनको लेके चलूँगा। हाँ जी, उनको जी उन्होंने हमारे ऊपर 5-6 आदमियों के ऊपर ना पुराने टाइम में 4 साल पहले उन्होंने कंप्लेंट दे दी थी भी ये मंदिर की मूर्तियां फाड़ रहे थे और तोड़ रहे थे, ये मंदिर में हल्ला कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, वो इंक्वायरी की तो उसमें हम सारे ठीक निकले। ये इसका सारी स्टेटमेंट और जो इसके साथ पार्टी बंदे लगे हुए थे पुराने जितने भी इसकी टीम थी वो सारे गलत निकले, मंदिर से जुड़ा मसला था। और हाँ जी, नहीं हमने फैसला बाद में लिया, पहले कोर्ट ने ही फैसले दे दिया, इनके अगेंस्ट फैसला दे दिया, उसके बाद हमने फैसला लिया, जो लिया फैसला हमने कहा भी इसको निकालना। और ये 5 साल के कोई मंदिर का रिकॉर्ड नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, ना अकाउंट का दे रहा, ना मेरा कंस्ट्रक्शन का दे रहा है, ना ये उनका अपना फाइनेंस सेक्टर का दे रहा है, किसी का रिकॉर्ड नहीं दे रहा। और हाँ जी, आप भेजेंगे उसको भी भेजेंगे और कोर्ट में भी हम जाएंगे, जरिए इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा उसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे और थाने में भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं, क्योंकि 10 दिन का टाइम दिया है ना इसको भी, जरिए दे सकता तो दे दे, नहीं तो उसके बाद हम जो भी लीगल जो कार्रवाई मंदिर के लिए इंटरेस्ट में बनती होगी वो हम करेंगे। सर उन्होंने कोई हिसाब नहीं दे रहे, कोई उनका इन नहीं है, कोई आउट नहीं है, कोई एम्बेजलमेंट पूरी की हुई है, ठीक है जी, सारा घपला किया हुआ इसने, तभी ये हिसाब नहीं दे रहा मुझे। ये वन मैन शो था जी इसका, 5 साल से ये वन मैन शो चला रहा था, 2 साल से हम कमेटी बनी है तो कमेटी में हमें कुछ नहीं दे रहा जी, सब कुछ हमारे पास, कैशियर के पास भी कुछ नहीं है और सीधा सामान खरीदता जाके कैशियर को कहता मेरी पेमेंट कर दे इतने की, तो वो पहले पहले तो करते रहे कैशियर साहब डरते, उसके बाद हमने मैंने बंद कर दिया, मैं कहा जो पेमेंट होगी सारी कमेटी से होगी तेरी पास। नाम जोगिंदर पाल तोखी है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस मंदिर का और पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी प्रधान जी ने जो मंदिर हमारे अगेंस्ट एलिगेशन झूठे एलिगेशन लगाए थे वो प्रूव प्रधान जी के अगेंस्ट हो गए और प्रधान जी को कोर्ट ने सजा दे दी, उसी के बेस के ऊपर हमने ये कल मीटिंग में फैसला किया। एज यूजुअल मीटिंग हुई जैसे होती है, उसमें 7 आइटम रखी हमने कंसिडर की, 7वीं आइटम प्रधान की थी, तो उसमें हमने क्या किया प्रधान की जितनी पावर था उसको फ्रीज कर दिया गया है और फाइनल एक्शन के लिए हमने जनरल बॉडी को रिकमेंड कर दिया है कि इसके अगेंस्ट इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि जनरल बॉडी ही एम्पावर्ड है। बिल्कुल सर, पावर की बात कर रहे हो, जो अभी तक जो आप लोगों ने कार्रवाई की है संविधानिक तौर पर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मंदिर संविधान के मुताबिक किया है, और हमारे प्रधान जी जो थे श्री मोहन सिंह जी वो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं मानते थे, ना ही उसके मुताबिक काम करते थे। मेरे को उन्होंने एक बार कहा थोड़े दिन पहले ही कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, मैंने कहा प्रधान जी आपने क्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आज तक काम किया है तो मेरे को एक भी इंस्टेंस बता दो।
तो वो ऐसा करते नहीं है, वो वन मैन शो करते हैं। फिर मैंने उनको वन मैन शो का मतलब भी बताया कि ये होता है, क्योंकि वो अकेले ही काम करना चाहते हैं, किसी की सलाह नहीं लेते, अपनी मोनोपोली से काम करते हैं, ना पैसे का बताना। आज तक उन्होंने कभी भी, जब से मंदिर बनना शुरू हुआ है, कभी भी पब्लिक मनी इन्वॉल्व है इसमें, आज तक पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया कि कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया है, क्या बैलेंस है, क्या नहीं है। तो इसलिए वो प्रधान जी का रेपुटेशन अब यहाँ ठीक नहीं है मंदिर में। हमने उनका काम काज कल से ख़त्म कर दिया है। अगर अब आज भी मैंने सुना, मैं नहीं था जहाँ, कहते मंदिर में आए वो एक दो आदमी लेकर आ गया फोर्सिबली मीटिंग करने, तो वो फिर उसके बाद अपने आप ही चला गया वहाँ। मोहन सिंह जी, आज जरा मंदिर च, दुर्गा मंदिर च एक मीटिंग कल हुई है, वो जो कुछ मैंबर ने ताड़े ते सर एलीगेशन ला रहे हैं कि तुहानू टर्मीनेट कर दिया गया है क्योंकि तुसीं कोई वायलेशन की सी, कोई कानून के मुताबिक नहीं काम होया, इस करके उन्होंने कर दिया। सर की कहना चाहोगे? इस तरह सर, जी मैं एक एजेंडा मीटिंग रखी जी अज 28 तरीक होनी सी, ये 28 तरीक के एजेंडे पाए, 28 तरीक में साड़ी क्लीयर किया मीटिंग साड़ी जी, लास्ट मीटिंग सी, ये पूरे एजेंडे पाए हैं, ये भी जनरल हाउस कॉल करना, वो करना, जेडे एलीगेशन लगा रहे हैं कि केस होया या मतलब होया, ये टोटली बेसलैस है, क्योंकि ये अंदर कुछ एजेंडे ऐसे ने जिन्हों के अंदर मेरे तो बड़ी बार प्रेशर पे, इन्हें एफ आई आर लॉज कराओ। मैं मंदिर की बदनामी करके एफ आई आर लॉज नहीं करा रहा, ना मैं कराई ना मैं करवानी है। वो की है कि साढ़े मंदिर चो जड़ा ना जी सरिया स्टील जड़ा ना जी, वो मिस्टर तिलक राज जड़ा ना जी, उन्हें इन्होंने अलाउड किया, इशू करता, वो कोई पैसा अज तक नहीं आया, ना आने की संभावना है, इस फरवरी की गल है। इस तरह उन्हें जी सा बजरी पई सी, रेता पे सी, वो मंद है, वह चक्की गई। ये मैं मुद्दे चकदा, ये मैं मुद्दे लिना है, ये मुद्दे लेने तो बाद उन्होंने इंदा भी असं इनू इतों पहुँचा दीए। बिल्कुल सर, जो उन्होंने कान तुम क्या बिल्कुल की वो प्रोटोकॉल के हिसाब न, जो उन्होंने जो वाइस प्रेजिडेंट से वाइस प्रधान से उन्होंने को पावर दे दी गई, एक्टिव प्रधान बना दिता गया, क्या यह संविधानिक तौर पर सही होया? बिल्कुल नहीं, संविधान ने जी साड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई पावर नहीं है किसी प्रधान को रिमूव करते, जो प्रधान इलैक्टेड बाई जनरल हाउस हैगा। जे इन्हों लगता सगा कि यह जी कोई कितने पावर नहीं है, तो हरेक कमेटी बनाए अपने प्रधान बना के अपने आप को इलैक्ट कर लेगी। जे इन्हों लगता है कि मुद्दा यह सीरीयस लगता है इन्हों, इन्हों का फर्ज बनता है मता पास पा के या कंप्लेन टाइप बना के रिक्वेस्ट टाइप बना के मैं भेज दे, जनरल हाउस लेके जाते भी यह जनरल हाउस साढ़े प्रधान देंगे, असं ये ला रहे हैं एलीगेशन, ये फैसला कराया जाए। जो भी सुप्रीम है जनरल हाउस ने फैसला करना, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ने। एग्जीक्यूटिव बॉडी की जी कोई पावर नहीं है किसी के किसी मैंबर कढ़ दे, किसी मैंबर के अगेंस्ट एडा स्ट्रोंगली एक्शन ले। तो तुसी की आज दी डेट च अपने आप नू मतलब कि प्रेसिडेंट मानते हो? बिल्कुल, आई एम स्टिल प्रेसिडेंट, मैं जो भी कर रहा मैं प्रेसिडेंट नाते हूँ भी लिख रहा, वो एक्सेप्ट करन ना करन दैट इज सेकेंडरी इशू। मैं आज भी प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट है टिल फर्दर, जनरल हाउस की मीटिंग देखूंगा मैं, आई एम प्लानिंग टू कॉल द जनरल हाउस की करते की नहीं, क्योंकि उन्होंने अंदर उन्हों कोई भी पावर नहीं है, डेलीगेशन कोई भी पावर नहीं। जे मैं उन्होंने सीनियर मीतवान पावर देनी है तो मैं डेलीगेट कर सकता। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा दस दिना, प्रधान दे कोल कोई सारिया पावर प्रधान को है, सीनियर मीत प्रधान की पोस्ट पिछले साल पिछले बार क्रिएट करी है, वो कोई पावर नहीं है अंटिल अनलेस प्रधान डेलीगेट करता, जिहड़ियां पावर्स ने प्रधान ही नीचे उन्होंने सीनियर मीत प्रधान डेलीगेट करनी है। ये प्रधान जिहड़ा बनया सीनियर मीत प्रधान ने अपने लैवल से खर्चे कर रहा, अपने लैवल से बिल पास कर रहा, वह मैं कोई इन्ना वो अगेंस्ट कदे नहीं लगा भी चलो मंदिर की डिवेलपमेंट करता, लीगल करता, इलीगल करता, ठीक करता, गलत करता, मेरा उन्होंने कोई संबंध नहीं है। एक सर, एक उन्होंने एक एलीगेशन हो रहा है कि तुम पिछले 5 साल तो लगातार प्रधान बने हो तो अपनी मनमर्जी कर रहे हो, मतलब संविधानिक तौर पर हो रहा है कि ये भी मतलब कि प्रधानगी का जिहड़ी आरोप ला रहे हैं। मैं 16 अप्रैल 2016 प्रधान मनु जनरल हाउस ने इलैक्ट किया जी, 16 जनरल हाउस कराया, उस तो बाद 16 तो लेके जी टनोर से 18 खत्म होनी सी, 16 17 18 मेरे को जी जनरल हाउस के मैंबर से साढ़े मैंबर कहते रहे भी तुम मंदिर की स्थापना करके फिर जो मर्जी करना मीटिंग करना, ये मंदिर नहीं तो जिते भी है मूर्ति स्थापना रुकी रुक जाएगी, रुक भी जानी सी। वो जो पीरियड हैगा वो मैं जनरल हाउस दस के कि मेरा जो इलैक्शन से जनरल हाउस ने वो पीरियड में रेगुलराइज कराया कि जो 1 साल इलैक्शन होया डिले होया वो रेगुलराइज, तुम्हें डाकूमेंट चाहिए मैं डाकूमेंट दे सकता कट के। उस तो बाद जो इलैक्शन होया
17/11 वो भी इलेक्शन जोड़ा ना असी सोच से भी वोटिंग ना हो कहते भी नहीं अनानीमसली करना है अनानीमसली इलेक्शन होर वो तू मैं कापी दे दूंगा वो अंदर जोड़ा प्रेजेंट हाउस से उसने मैं प्रधान चुने उन्होंने प्रधान चुने टनो जी सा 19/11/2021 खत्म होनी सी ये कोई वो नहीं दौर है कि मन ये लोग कुछ इदा दी इमेज खराब करना चाहते हैं ये जो मेरे ये जो लोग हैं ना जी मेरे आते नहीं 2017 लगे मेरा 182 का परचा भी इन्होंने कारण इन्होंने अगेंस्ट मैं ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन करी थी उस टाइम चलो प्रेशर हो गया कि भी होगा मैंने समझ तो बाहर है कि उन्हें कर ली है वह डिसीजन होया वो केस का 182 का परचा है ये डिसीजन हो चुका है ये डिसीजन अंदर भी उन्होंने मैंने प्रोबेशन से भेजे आदि काफ़ी हैगी मेरे को जज साहब ने रिलीज करी है ये कोई कितने फंड हाँ बाउंड जो भर है बिल्कुल बिल्कुल तुहाडे वल्लों कोई इन्हां दे अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्योंकि जो इस तरह की गल कर रहे क्योंकि इन्होंने ये भी किया है कि तुहाडे अगेंस्ट जी असीं पुलिस नूं भी कंप्लेंट देवांगे उन्होंने किया है देखो तुहाडे वल्लों भी मतलब कोई देखो इस तरह है वो तो ये कह रहे हैं कि प्रधान हटाता जी नहीं हूँ हाँ मैं प्रधान है मैनू इन्हों को हटाने की पावर ही नहीं मैं मंग रहा पावर मेरी मैं रूम कर हटा दी है जनरल हाउस को जनरल हाउस आएगा आई एम एक्सेप्ट आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ डिसीजन ऑफ द जनरल हाउस।